You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के वीडियो में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक ऐसा वर्कआउट जिससे हम अपनी कंप्लीट अपर बॉडी को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। इस एक वर्कआउट से हम अपने कंप्लीट अपर बॉडी जैसे चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, इन सभी मसल्स पार्ट को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। ये वर्कआउट अगर आप रेगुलर परफॉर्म करते हैं, जैसे अपनी डे बाय डे आप परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारा स्टेमिना जो इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करता है। प्लस में आप इस वर्कआउट को अपने वार्म अप सेट में भी ले सकते हैं। अगर आप इस वर्कआउट के एक से दो सेट अपने वार्म अप में कर सकते हैं या परफॉर्म करते हैं, तो इससे बेस्ट वार्म अप आपकी बॉडी के लिए हो ही नहीं सकता। बिकॉज इसमें हमारे जो सारे मसल पार्ट हैं वो इतने वार्म अप हो जाएंगे और आपकी जो वार्म अप है वो सबसे बेस्ट होगा। साथ ही साथ आपकी जो बॉडी में फिनिशिंग है वो इस वर्कआउट से काफ़ी अच्छी आएगी। और अगर आप इसको रेगुलर परफॉर्म करते हैं तो आपका जो स्टेमिना है वो भी इंक्रीज होगा। तो इस वर्कआउट में हम लगाएंगे 3 एक्सरसाइज का कॉम्बो, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी डिप्स, उसके बाद लगाएंगे हम चिनअप्स और उसके बाद लगाएंगे हम बॉडीज। तो इन तीनों एक्सरसाइज को हम 10-10 रेपिटेशन के हिसाब से एक अपना सेट लगाएंगे। जितनी आप इसके सेट लगा सकते हैं उतना ही आपको अपने जो बॉडी में है उसके रिजल्ट मिलेंगे, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा सेट परफॉर्म करने हैं। इस एक्सरसाइज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस एक्सरसाइज को सैटरडे को परफॉर्म कीजिए, बिकॉज इससे आपका जो कम्प्लीट पूरे वीक का जो शेड्यूल है वो पूरा कवर हो जाएगा। और आपको इस वर्कआउट के बाद 110% नीड पड़ेगी कि आपको अपना जो बॉडी को है रेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज इस वर्कआउट के बाद आपकी पूरी बॉडी की जो मसल्स पार्ट हैं वो बिल्कुल, जो उनके टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा। जिसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वर्कआउट को सैटरडे को परफॉर्म कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल आइकन है आप उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप मेरे चैनल से अप टू डेट रहे। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी जरूर फॉलो कर लें, वहाँ मैं अपडेट डालता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और परफॉर्म करते हैं अपना वर्कआउट। स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, हमें स्टार्टिंग करनी है हमारे डिप से, उसके बाद लगाएंगे हम 10 रेपिटेशन अपने चिनअप्स के और उसके बाद लगाएंगे हम अपनी बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पुशअप से। पुशअप्स के लिए मैंने आपको अपनी पोजीशन बता रखी है, अपने हाथों की जो चौड़ाई है वो आपको अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रखनी है, उसके बाद बिल्कुल स्लो स्पीड में, और जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। पूरा जो स्ट्रेच है हमें चेस्ट पे लेना है, आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रेच चेस्ट पे हो। स्पीड हमारी बिल्कुल नॉर्मल इक्वल, ताकि फील हो हमें अपनी एक्सरसाइज का, जिस बॉडी पार्ट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। दस रेपिटेशन आपको अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के लगाने हैं और उसके बाद लगानी हमें चिनअप्स। चिनअप्स के भी आपको 10 रेपिटेशन लगाने हैं, उसके बाद हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज जिसमें हम लगाएंगे हमारी बार डिप्स। तो इसी टाइप से 10 रेपिटेशन हम अपने बार डिप्स के लगा के, तो इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट सेट है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट सेट में लगाए हमने 30 रेपिटेशन 3 एक्सरसाइज के, तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट कॉम्बो, एक सेट।
इसके बाद हमें इसी टाइप से अपने अदर सेट लगाने हैं। जितने सेट आप लगा सकते हैं आपको इन सेट से उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना दूसरा सेट। इसी में भी हमें अपनी स्टार्टिंग करनी है अपनी पुशअप से, सेम पोजिशन, सेम स्पीड, सेम रेपिटेशन। तो गाइज जैसा कि हमने परफॉर्म किए हमारे दो सेट, इसमें हम लगाए 10-10 रेपिटेशन की तीन एक्सरसाइज, जिसमें हमने अपना एक कॉम्बो फर्स्ट अपना सेट कंप्लीट किया, उसके बाद हमने सेकंड सेट कंप्लीट किया। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग यानी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनके सेट लगा सकते हैं। जितना सेट आप लगाएंगे आपकी बॉडी के लिए उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ट्रेन की कंप्लीट अपर बॉडी, वो भी सिर्फ एक वर्कआउट से। आप इसे एक वर्कआउट को अपने वार्म अप में लगा सकते हैं और अपने कंप्लीट वर्कआउट में लगा सकते हैं। इस वर्कआउट के इतने बेनिफिट हैं, आप अगर इसे रेगुलर परफॉर्म करते हैं तो इससे अपना स्टैमिना इंक्रीज होगा, इससे आपका जो बॉडी का फैट परसेंट है जो वो डाउन होगा, प्लस में आपकी बॉडी में फिनिशिंग होनी चाहिए वो आपकी इंक्रीज होगी, यानी आपकी बॉडी में शेप आएगी। प्लस में अगर आप इसको अपने वार्म अप के अकॉर्डिंग लगाते हैं, यानी अगर आप वर्कआउट से पहले अगर इसका एक सेट परफॉर्म कर लेते हैं तो आपकी कंप्लीट बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अपने वर्कआउट का। तो आई होप आपको इस वीडियो को बेनिफिट मिले, आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि और बंदे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। अगर आपके कोई कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। स्टे फिट, स्टे हेल्थी।